नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। दरअसल उत्तराखंड में खूबसूरती के बेहद ही हसीन नजारे देखने को मिलते हैं और उत्तराखंड में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। सरकार भी इसको लेकर के काम करते हुए नजर आ रही है, लगातार सरकार के द्वारा इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड की खूबसूरती देखते ही बनती है। अगर बात उत्तराखंड में पर्यटन की करें तो पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर लगातार फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पर्यटन और ट्रैकिंग के शौकीन लोग अब ग्रामीण इलाकों में बोली जाने वाली भाषा और संस्कृति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मथौली गांव के प्रदीप पंवार ने पुरानी छानी को रेनोवेट करके होम स्टे बनाया है, जो लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। ग्रामीण पर्यटन को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के मथौली गांव में घश्यारी महोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें गांव की करीब 50 महिलाओं ने घश्यारी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें 5 टीम बनाई गई थी। इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में भी खूब उत्साह देखने को मिला। महिलाएं बाकायदा जंगल से सूखी घास काटकर लाई। उत्तराखंड में पर्यटन की इन अपार संभावनाओं से रोजगार के रास्ते बनाने की जरूरत है। हमने देखा है कि रोजगार के अभाव में पहाड़ का युवा इन हसीन वादियों को छोड़कर महानगरों में जाने को मजबूर है, लेकिन अब सरकार की ओर से भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को भी इसे लेकर जागरूक करने की जरूरत है। पहले मैं बोलता हूँ, मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ। कलकत्ता जंगल ऑफ कंक्रीट है, तो वहाँ से जब हम इधर आए तो गांव तो हम देखे पहाड़ी गांव, मतलब फिजिकली आके ऐसा महल जो है ये मैं कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम। और यहाँ का जो लोग, यहाँ का जो मेरा आइडिया नहीं था कि ऐसा चीज़ होता है, और इतना बंधन है अपने आप उसमें, और इतना प्यार से, इतना प्रेम से, प्रेम भाव से सब लोग एक साथ मिल के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये मेरा आइडिया तो नहीं था। मैं पहले ऐसा काफ़ी जगह जा चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसा सामने बता रहे थे कि इसका पर्पज़ क्या है, मकसद जो क्या है, ये बहुत ही आज के दिन में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग टूरिस्ट ग्रुप में आते हैं, हम घूमते रहते हैं, लेकिन जो विलेज टूरिज्म के लिए नाते पे जो हो रहा है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली पहाड़ी एरिया का जो डेवलपमेंट है, इसके लिए ये जो आज का जो कदम जो उठाए ना, ये कदम उठाए। और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि और भी लोग को इकट्ठा करें। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग का असर वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्रों के भविष्य पर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए भारत के छात्र अब पढ़ाई छोड़कर वतन वापसी कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई छात्र भी मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे। यूक्रेन से लौटने के बाद अब इन बच्चों ने अपने अनुभव को साझा किया है। वहीं काशीपुर की उंजिला सैफी ने भी यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर वो वापस लौट चुकी हैं। परिवार वालों ने उंजिला के घर वापसी पर मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया, साथ ही यूक्रेन में फंसे सभी लोगों की जल्द वतन वापसी की दुआ मांगी। वहीं अपने अनुभव साझा करते हुए उंजिला सैफी ने बताया कि यूक्रेन में बार बार बमबारी की आवाज़ सुनाई दे रही है, खाने की कमी थी, साथ ही बॉर्डर तक खुद को सुरक्षित पहुंचाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि घर वाले कितने खुश नजर आ रहे हैं, मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं, और साथ ही जो छात्र, जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए भी कामना कर रहे हैं। जब तक ये बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी, तब तक परिवार वालों को कई तरह का डर सता रहा था, मन में बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे, लेकिन अब उनकी बेटी घर वापस लौट आई है। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे मेरी बेटी आई है, जिस तरह से मैं परेशान था, ऐसी हो सकता जो बच्चे वहाँ फंसे हैं उनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा जितनी जल्दी हो सके सारे बच्चे अपने अपने माँ बापों के पास पहुँच जाएँ और बेहतर तरीके से पहुँच जाएँ।
बाद पूरे वापस आई हूँ और समस्याएं तो सारी बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जैसे कि खाने की बहुत कमी थी वहाँ पर हमें, और रहते टाइम पे हमें बम की आवाज़ बार बार सुनाई देना, और एक पूरा दिन आवाज़ें आती रहती थी, खाने की कमी, फिर वहाँ से पूरा सफ़र खुद से करके फॉरन बॉर्डर तक पहुँचना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा था हमारे लिए। नहीं, हमें यूक्रेन में कोई सुविधा नहीं मिली, पर एक बार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें सारी सुविधाएं मिली थी, पर बॉर्डर तक हमें सब कुछ खुद से करना था। लगभग मैं जिस बंकर में मैं थी वहाँ पे हम 100 के ग्राम लोग थे अंदर, और वहाँ की स्थिति तो दिन ब दिन ख़राब ही होती जा रही है, और हर वक्त शेलिंग की आवाज़ें, बम की आवाज़ें कंटिन्यू आती हैं, और हम लोग भी जब लाइन में लगे हुए थे खाने की तो हमें भी कंटिन्यू आ रही थी, हम घबरा गए। नहीं, हमें ऐसा कुछ मुझे तो नहीं देखने मिला, ये जो वीडियोस वायरल, ये शायद पोलैंड बॉर्डर की थी, तो फिर बाद में गवर्नमेंट सरकार ने हमें मना कर दिया था उस वाले बॉर्डर पर जाने के लिए, कहा था कि दूसरे बॉर्डर पर से जाए। बुलेटिन में आबाद उत्तरकाशी की भी कर लेते हैं। दरअसल आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर ITBP ने एक शिविर का आयोजन किया है। आपको बता दें कि ये शिविर एक स्कूल में लगाया गया, जहां बच्चों को देशभक्ति को लेकर के अहम संदेश दिए गए, उनमें देशभक्ति का संचार किया गया है। तो आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक के रनाड़ी गांव में ITBP ने स्कूल में शिविर लगाया, जिसका मकसद बच्चों में देशभक्ति का संचार करना था। इस दौरान बच्चों को बताया गया कि देश के प्रति किस तरह से सजग रहना है, साथ ही बच्चों को बंदूक समेत अन्य उपकरणों के बारे में भी जानकारी दी गई, जरूरत पड़ने पर हथियारों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसका प्रशिक्षण भी ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली बच्चों को दिया गया, साथ ही दुर्घटना के दौरान रेस्क्यू अभियान से जुड़ी जरूरी बातें भी बताई गई। आज स्वतंत्र भारत की आजादी के जो है 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ITBP मातली बारी वाहिनी द्वारा ग्राम पंचायत रनाड़ी में जो इंस्ट्रूमेंट और रॉक क्लाइंबिंग के जो सारे इंस्ट्रूमेंट यहां पर दिखाए गए हैं, पूरे गांव के अंदर हर्षोल्लास है और लोगों के अंदर उत्साह है सेना में जाने का, ताकि भारत माता की सेवा कर पाएँ। और मैं 12वीं वाहिनी ITBP की जो है हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि इस प्रकार की उन्होंने पहल की है, और नौजवानों को जो है कई सरकारी भर्तियों में भर्ती होने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो अभियान चलाया है, ये एक सराहनीय है, और देश की आज़ादी का जो पर्व है उसके लिए जो है लोग आज जो हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर आए, समस्त ग्रामीण भी आए हैं, स्कूल के छात्र छात्राएँ आए हैं, और सभी को जो है भारत के पास जो हथियार हैं छोटे स्मॉल आर्म्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, जैसे इंसास राइफल हो गई, 7.62 LMG हो गई। पहुँचे हैं क्या क्या रहा, क्या क्या गतिविधियाँ रही यहाँ पे? जैसे आपको पता ही है आज़ादी का 75वां महोत्सव हम पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो उसी के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसी के तहत हम 12वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के तरफ से हमारे गांव रनाड़ी के लिए हमने प्रदर्शनी का आयोजन किया हुआ है, जिसमें हमने रॉक क्लाइंबिंग के इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स और बाकी साजो सामान, इन सब का प्रदर्शन हमने किया हुआ है। तो इसका मकसद यही है कि यहाँ के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो प्रेरित हो फौज के प्रति, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फौज में भर्ती हो और देश की सेवा में अपना योगदान दें। अब बात रुड़की की भी कर लेते हैं। दरअसल रुड़की के ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहने वाले माँ बाप अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को बचा लीजिए, उन्हें ससुराल वालों ने बंधक बना रखा है। दरअसल ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहने वाले मुर्सुलीन ने बताया कि उनकी बेटी जेबा की शादी करीब एक साल पहले बहादुराबाद थाना इलाके के बोंगला गाँव में की गई थी, और उन्होंने अपने सामर्थ्य से ज्यादा दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। जब उनकी बेटी को ज्यादा परेशान किया गया तो वे उसे घर वापस ले आए थे, लेकिन ससुराल वाले अपनी गलती मानकर उसे अपने साथ ले गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की जाती है और उसे घर में बंधक बनाया गया है। जब लड़की के बड़े भाई को वहां भेजा गया तो ससुराल वालों ने उसे अपनी बहन से भी मिलने नहीं दिया, जिसके बाद अब परिवार अधिकारियों से बेटी की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। रुड़की का रहने वाला हूँ, मैं अपनी बच्ची की शादी करी थी बोंगला बाजराबाद के पास, तो मैंने
एक साल हो गए करीब शादी को। दो तीन बार मैंने लड़की को भेजा, लेकिन उनका मामला ये रहा, बच्ची को बहुत परेशान करते हैं। वहाँ से कई बार फ़ोन आ लिए कि तुम्हारे लड़के को मार देंगे। हमने आगे थी लड़की हम ले आए थे, उसके बाद भी उनके 5-7 आदमी आए, फिर लड़के को ले गए, लड़के को ले जा कर फिर इस तरह कर रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं हमारी लड़की आ जाए, हम और कुछ नहीं चाह रहा, हम हमारी लड़की चाह रही है। वहाँ जी मैं तो यही चाहूँ मेरी बच्ची घर आ जाए, किसी तरह सतंधी बना रखा हुआ, आने दे ना, बात करने देते। मेरे आदमी गए थे इन्हें भी वहाँ जहर दिया खाने में, घर लाए यहाँ सिविल हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ से वहाँ अपनाई गरीब। मैंने इतनी होने के बावजूद भी मैंने कोई वो नहीं करा, उसके लिए हमने पुलिस के चाचा को भेजा, उसे भी वहाँ से दूसरी जगह बिठा कर निकाल दिया, मेरे बच्चे के साथ भी गाली गलौज करी। बुलेटिन के आखिर में बात अल्मोड़ा की भी कर लेते हैं। दरअसल अल्मोड़ा के कूपी गांव में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल तेंदुए की दहशत की वजह से लोगों के मन में यह डर बैठा हुआ है। अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक के कूपी गांव में 1 मार्च को तेंदुए ने महिला को अपना शिकार बना लिया था, जिसके बाद लगातार गांव में दहशत देखने को मिल रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने गांव में 2 पिंजरे भी लगाए, लेकिन इसके बावजूद लोगों को दिन दहाड़े तेंदुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं और गांव वालों का दिन में भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।